Hey guys, तो मेरे डेली व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस मैंने खाना खा लिया, मैं पानी पी लिया, मैं छाछ पी ली और मैं बाहर जाके आ भी गया और मैं सो रहा हूँ। तो गाइस गुड नाइट। सो गाइस मजाक बहुत हो गया, आज की वीडियो में हम कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं। क्या है वो आपके लिए स्पेशल, आपने थंबनेल देख के पता लगा ही दिया है। स्पेशल कुछ नहीं है गाइस, स्पेशल हम है। मैं सब्सक्राइब करो जल्दी। कोई तरीका है भीख मांगने का? वीडियो की प्रॉब्लम बारिश के कारण पूरे पानी आया है इधर से, तो उसके लिए या तो एक खिड़कियाँ वगैरह होगी तो लाइटिंग कम करनी पड़ेगी, लेकिन या तो पानी ने महान मचा रखा है। बहुत दिनों से मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, जी हाल मुश्किल मुकुम भरा है बाहर हिजड़ा, हिजला हिजला होता है बकारा दिल है। क्या बोला तूने? तो नहीं दो, आज हम पहले पोए खाएंगे उसके बाद में आपसे बात करेंगे। क्या गए पोए? देखो तीन मेरे को ही दे दे, वो नहीं मेरे को। खाऊंगा भाई, मैं भी खाऊंगा, एक तो मुझे भी दे। तो गाइस अब हम आए हैं एक ऐसे मंदिर जो कि एकदम हमारे जगदीश टेंपल के सामने है, और इसके लेफ्ट साइड में है हमारा सिटी पैलेस। तो गाइस आज सिटी पैलेस में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट वगैरह सब, और बारिश ने अपना बोकाल मचाया हुआ है। चार चेयर है लेकिन हमारे बैठने की जगह नहीं है, जिससे गीला बोलते हैं ना वो। तो गाइस वो किसी वजह से मंदिर बंद था, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं और हम चले जाते हैं नूडल्स खाने। और अब हम नूडल्स बना के देखो एक बार इस नूडल्स को, कितना वजन है इसमें। सो गाइस इसके बाद हम आ गए हैं अंबा माता के मंदिर, तो चलो अंदर। और गाइस यह मंदिर है उदयपुर में, तो गाइस चलो अंदर चल के देखते हैं कैसा है मंदिर। ये है सीढ़िया, और ये गार्ड भैया, और ये मुर्गी है यहाँ पे देख सकते हो, और ये मंदिर के अंदर का व्यू एक बार देखो गाइस। अंबा माता का एकमात्र प्राचीन मंदिर, फोटोग्राफी अंदर बंद है तो वीडियो में बना नहीं सकता, लेकिन आप यहाँ पे आ सकते हो। यह है नियर फतेह सागर, फतेह सागर से सीधा आओगे आप, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, फतेह सागर से आप किसी को भी पूछ लेना वो बता देगा, वरना मैं आपको लोकेशन बता दूंगा। गाइस ये है फतेह सागर का रानी रोड, जो कि एक खूबसूरत सा रोड है, और हम इस रोड से होते हुए रूप सागर होते हुए एक गाँव की ओर निकल पड़े हैं अपने फ्रेंड के घर। राइट पता तो तुम्हें बारिश की वजह से रूप सागर है कि बढ़ गया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, नहीं देख सकते हो यहाँ पे लोग। गाइस अगर इसका पूरा वीडियो देखना है तो आज चैनल में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, यहाँ पे देख लेता। तो गाइस बताते हुए बहुत खेद है कि आज मैं आया हूँ उदयपुर से काफ़ी दूर, समथिंग 110 किलोमीटर दूर, और ये पूरा इलाका देख सकते हो आप। ये तो फिर भी ठीक है, दो तीन घर फिर मैं आपको आगे जाऊँगा, ये तो स्टार्टिंग है अभी अभी, यहाँ से 9 किलोमीटर कुछ बता रहा है, उसके बाद में हम पहुँचेंगे उस जगह पर। एक गाँव है स्पेशली, बहुत ज़्यादा ही खास गाँव है, कल हम उसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज मैं आपको हल्का हल्का सा एक्सप्लोर कर देता हूँ रात होने से पहले। ये देखो इधर है गन्ने के खेत, उधर भैंसे वगैरह जा रही है, इधर एक और भैंसा सॉरी एक और ब्लॉगर जा रहा है, यह है मेरी बाइक, और चलते हैं अच्छी लोकेशन की तरफ। हाफ क्या पाल है मेरा। सो गाइस ये गांव जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा खतरनाक गांव है, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत गांव है, इतना मतलब कि मैं जो कल वीडियो बनाने वाला था ना वो शायद कल नहीं भी बना पाऊँ, क्योंकि ड्रोन वीडियो शूट है यार ये। तो गाइस मैंने अब तक इसका वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो खूबसूरती दिखा ही नहीं सकता मैं अपने वीडियो में, क्योंकि इतना खूबसूरत है कि बहुत ही ज़्यादा गजब। तो कल का वीडियो मिस मत करना, क्योंकि कल का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल, और शायद मेरा मूड होगा तो वो डालूंगा, वरना वो वीडियो मैं आपके लिए अगले पार्ट में रखूँगा, है ना। तो अभी के लिए चलो मैं जाता हूँ घर पे, जाके देखता हूँ क्या सीन है। सो गाइस सबसे पहले आलू टिक्की खा लेते हैं, क्योंकि बाद में खाना मिले या ना मिले तो सबसे पहले आलू टिक्की। ओ गाइस देख सकते हो कितनी गजब की आलू टिक्की बनाई है भैया ने, देखो बारिश की वजह से जगह कितनी खुल गई है, काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो गाइस
कि मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जगह काफ़ी डेंजरस है, तो मुझे जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। बस मैं यहाँ का नेचर देखने के लिए आया था आपको दिखाने के लिए। बाकी यहाँ पे नेटवर्क वगैरह जरूर है, देखो गाइस, लेकिन यहाँ पे शेर चीते आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और पिछले हफ्ते ही आपसे एक बकरी गायब हुई है, किसी अंदर ने मुझे बताया, तो आगे मत जाना ऐसा बोला। मैं बोला सुसु करके आया, ऐसा करके आया हूँ अंदर इलीगल तरीके से, तो चलो चलते हैं बाहर, वरना गेम बच जाएगा अपना। यहाँ तो कुत्ते में भी भेड़िया नज़र आता है, ये देखो।